दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन में जंग शुरू हो चुकी है। अगर नक्शे में देखें तो फिलिस्तीनी देश दो क्षेत्रों में बटा हुआ है, गाजा और वेस्ट बैंक। गाजा इसराइल के लेफ्ट में पड़ता है और वेस्ट बैंक इसराइल के राइट साइड में। गाजा में जो सैन्य संगठन है उसे हमास कहा जाता है। हमास को कई देशों ने पहले ही आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो बात है 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की, जब ज्यादातर इसराइल सो रहे थे, तब हमास दोबारा इसराइल पर 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे गए। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रॉकेट तो एयर में ही नष्ट कर देता है। इसी वजह से इसराइल में 2200 मिसाइल ही हिट हुए 5,000 में से। हजारों लोग इसराइल में सोते सोते ही मारे गए और फिर बॉर्डर तोड़ के फिलिस्तीन लोग इसराइल में घुस गए, कुछ ग्लाइडर के जरिए उड़कर और कुछ समुन्दर के रास्ते से। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन से अब युद्ध की घोषणा कर दी है और मंगलवार को जवाब में उन्होंने गाजा में काफी बमबारी की। दुनिया के कई देश अब इनको सपोर्ट करने के चक्कर में दो गुटों में बट गई है।